हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आ गया हूँ एक दूसरा प्रैक्टिस सेशन लेके। इस सेशन को ना रिकॉर्ड करते हुए बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, क्योंकि मुझे इस सेशन को तीन तीन बार करके रिकॉर्ड करना पड़ा। पहले वीडियो शूटिंग में बीच में मेमोरी फुल हो गया था, दूसरी बार ऑडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम, और आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, ये थर्ड टाइम रिकॉर्डिंग के बाद आया है, इसलिए लास्ट दो तीन दिन से कुछ अपडेट भी नहीं आया। मुझे पता है मैं बहुत ही खराब बजाता हूँ, इसीलिए आप सब लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को। लेकिन ये तो बताओ कमेंट्स में कि गलतियाँ क्या क्या हुआ है। फिर भी आप सब लोग पूरा सेशन देखते हो, इसलिए दिल से शुक्रिया। तो आज मैंने प्रैक्टिस किया ई माइनर नॉट शेप में, और मुझे जब पता चला ना कि दूसरी बार में भी वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया क्या बताऊँ। फिर भी मैंने सोचा आप सब लोग तो वीडियो देखने ज़रूर आओगे चैनल पे, इसलिए थर्ड टाइम में फाइनल रिकॉर्ड कंप्लीट किया, और इसीलिए आज कोई बैकिंग ट्रैक भी नहीं है। ये बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन रहे हो वो कोई बैकिंग ट्रैक या जैम सेशन नहीं है, ये तो खाली एक मेरे भाई द्वारा बजाया हुआ एक गिटार म्यूज़िक टोन है। तो आज मैंने ई माइनर नॉट शेप में सातों नोट्सों को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश किया है, और उसके बाद फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया है। आप जो लोगों को प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बहुत भी मालूम है, उन लोगों को पता है कि फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है। और जिन लोगों को फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में उतना मालूम नहीं है, उन लोगों को बता दूं कि फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है गिटार प्रैक्टिस में। इससे गिटार प्लेयर्स को फिंगर स्ट्रेचिंग में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ऑल्दो फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज हेक्टिक एट टाइम्स, येट वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ गिटार लर्निंग प्रोसेस। और आप लोग ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना फिंगर एक्सरसाइज का, ये मैंने आज ही ट्राई किया है पहली बार। तो ये था आज का जर्नी। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा आपको ये जर्नी, और क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।